जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संतोष सिंह आपके बीच एक छोटा सा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली हमारे चैनल पर या फिर व्हाट्सएप के द्वारा या फिर कमेंट में बहुत सारे लड़कों ने ये बोला कि सर एक्चुअली थोड़ा सा क्लास टेंथ के लिए भी अगर आप वीडियो लाते तो बेटर होता। एक्चुअली लाने वाले थे नहीं, लेकिन लड़कों की यह एक बहुत बड़ी उम्मीद टिकी हुई है कि सर थोड़ा सा हम लोगों की तरफ भी देखिए, इसलिए आज हम टेंथ क्लास की भी एक वीडियो लेकर आया हूँ। हालांकि अगर एक वीडियो लाया और लड़कों को समझ में आएगा और बेटर ढंग से, तो उम्मीद करते हैं अगला वीडियो भी बहुत जल्द ही रिलीज करूँगा। हालांकि क्लास टेंथ की सारी फैकल्टी आपको दी जा सकती है, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं पर डे आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या फिर अगर वगैरह किसी चीज़ों पर मैं भेज नहीं सकता हूँ। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा एक ही बार चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर ले तो उम्मीद करते हैं मेरी सारी वीडियो आपके पास एक एक करके मिलते चले जाएंगे। क्योंकि मैं जो भी वीडियो आता है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा पीछे वाला जो वीडियो होता है उसका लिंक डाल दिया जाता है, ताकि आपको ये समझ में आए तुरंत पीछे वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो टेंथ क्लास के लिए मेरा कोई अलग से चैनल नहीं है। जो हमारा चैनल का नाम था जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस, सेम वही चैनल रहेगा, उस पर ही इस वीडियो को भी ऐड कर दिया जाएगा। आज मैं जो बना रहा हूँ ये वीडियो बीएससीबी बोर्ड के लिए है। हालांकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो केवल बोर्ड लेवल नहीं होगा, जनरल कंपटीशनों में अदरवाइज किसी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो आज जो हम लोग वीडियो लेकर आए हैं, अगर ये आपकी आपको ये अच्छा लगता है तो एक बार कम से कम एक लाइक दे दीजिएगा जरूर। और जो भी वीडियो हो, और सीबीएसई के लिए मैं बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, तो कोई भी बोर्ड हो, आप जिस बोर्ड से हो उसका टेंशन ना ले, मैं वीडियो प्रत्येक दिन आपको डेली टू डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज़ आप लोग एक बार मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस, उसी पर आपको इंटरमीडिएट 12th की भी मिलेंगे, 11th भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे BHU, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का मैं जिक्र करूं तो सभी का मैं वीडियो आपके अपने इस चैनल पर बहुत ही जल्द सब प्रोवाइड करूंगा। सो आप लोग इसे जरूर देखिएगा एंड तक मेरे सारे वीडियो को। आज हम लोगों को क्लास टेंथ का देखना है, मतलब कि आज जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं वो आपका क्लास टेंथ के लिए होगा। और क्लास टेंथ में जो आप लोग जानते हैं कि जिसे हम साइंस का ही जिक्र करें तो साइंस में तीन सब्जेक्ट है, एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। मैं आपको पहले ही इस बात से रूबरू करा दूं कि चाहे क्लास कोई भी हो, आप आज नहीं तो कल कंपटीशन एग्जाम में जाओगे ही जाओगे। तो आप याद रखिएगा कि जो चीजें आप बोर्ड के व्यू से पढ़ते हो वो चीजें कंपटीशन में नहीं आते। और मैं इसका एक वीडियो लेकर स्पेशलिस्ट आपके बीच पहुंचूंगा और आऊंगा लेकर, और आपको उस टाइम बताऊंगा कि किस तरह से बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं और क्या चीजें होती है जिसे हम लोग कंपटीशन बेस बनाते हैं। तो जिसे हम लोग बोर्ड समझते हो कंपटीशन ही, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम लोग देखने वाले जो क्लास टेंथ का ये जो साइंस का वीडियो, तो इस साइंस में तीन पार्ट्स आपके पास होंगे। एक होगा आपका केमिस्ट्री, तो दूसरा आपका होगा फिजिक्स, और तीसरा आपका होगा बायोलॉजी। ये तीन सब्जेक्ट है और पूरी के पूरी तीन सिलेबस को मिलाकर आपको 80 नंबर का एग्जाम देने के लिए जाना है। अभी टोटली मार्क्स 80 नंबर के होते हैं और प्लस 20 मार्क्स जो होता है वो आपको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग दे दिए जाते हैं। टोटल मिला के 100 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में 80 मार्क्स तो थियोरेटिकल होता है और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल स्कूलों से मिल जाएंगे। अब आप उसको कैसे लेते हो आप पे डिपेंड करता है, क्लास रेगुलर जाते हो, प्रैक्टिकल का एग्जाम देते हो, अगर वगैरह जो भी कर। मुझे बस इस 30-80 मार्क्स में इस तीन सब्जेक्ट को पढ़ाने, जिसमें से मैं पहले ही स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री। मैं रोज बदल बदल के आपको वीडियो लाऊंगा, कभी केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फिर बायो का, इसे तीनों बताऊंगा। एक्चुअली पूर्ण रूप से आपको उम्मीद करता हूं मैं कि आज ये मेरा पहला वीडियो है क्लास टेंथ के लिए, और कोशिश मैं अपने से हद तक जारी रखूंगा कि आपको पूरी से पूरी वीडियो समझ में जरूर आए, और उस तरह से मैं आपके ही लैंग्वेज में
एक मतलब इजी वे बनाकर, जितना इजी वे हो सके उस इजी वे में आपको इस वीडियो के थ्रू आपके पास में आना चाहता हूं। तो इस वीडियो में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। और जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री एक साइंस का मानो तो जान है, और इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री के बारे में आज हम स्टार्टिंग करते हैं, फिजिक्स भी लाऊंगा और बायो भी लिख रहा हूं। देखिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस में केमिस्ट्री का जो, मतलब जनरली पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विज्ञान है, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। देखिए, साइंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज को प्रैक्टिकल ढंग से देखने, ये अनुमान लगाने वाला अमेजिंग डेट नहीं है, और ये कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, भूल चुक विधि लगा दीजिएगा कि मैं ये करता हूँ रहा तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। याद रखिएगा, साइंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज के बारे में पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल ढंग से उसकी संपूर्ण जानकारी, और तभी आपके बीच उस बातों को रिलीज किया जाता है। हमारे जैसा नहीं कि मैं यहाँ गया था, अचानक से बादल उधर से देखा कि हमारे तरफ आ रहा था और कहीं जाकर अचानक गिर गया, ये सब अमेजिंग डेट है, ये कोई खेल नहीं है, किसी ड्रामाटिस्ट मदारी वगैरह का तो खेल है नहीं, क्योंकि बुक है। और जो भी साइंस है, इसका मैं जिक्र करूं तो अपने ही लैंग्वेज में आपको किस तरह से समझा सकूं, मैं हद तक ऐसा कोशिश करूंगा कि आपको लगे कि हाँ सर साइंस रियल में इजी है, एकदम आसान बना दूंगा। उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो बिना कलम कॉपी चला अगर आपको सिखा नहीं दिया तो आप फिर हमारा नाम क्या, हमारा नाम भी अपने सामने से हटा दीजिएगा। तो आपके बीच में साइंस जो लेकर आया हूं, इस साइंस को मैं तोड़ दे, हर एक टॉपिक्स को इतना तोड़ूंगा कि आप सोचते रह जाओगे। मैं अगर विज्ञान को ही तोड़ूं तो ये दो वर्ड में टूट चुका है, एक है आपका बी तो दूसरा आपका ज्ञान। बी का मतलब अगर हम विशेष मान ले तो ज्ञान का मतलब तो हम जानकारी मानेंगे, एक ऐसी जानकारी जो हमारे लिए एकदम विशेष हो। विशेष का मतलब होता है जो पहले से हमें जानकारी न थी, अचानक कोई हमारे सामने बता रहा है और उसको प्रूफ करके दे रहा है कि रियल में सही है तो सही है, तो वो चीजें होती है विज्ञान, यानी विशेष जानकारी, और वो भी क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से एकदम लगातार होने चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से होने चाहिए, तब कहलाता है विज्ञान। यानी विशेष जानकारी जो क्रमबद्ध तौर से हो, सिस्टमेटिक ढंग से हो, उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। ये भी कह सकते हो कि सर नहीं, कोई ये नियम तो है नहीं कि बी माने विशेष ही मानिएगा, तो मेरे भाई तुम बी का मतलब यहां वैज्ञानिक ही ले लो। तो जिस किताब में, जिस बुक की में आपको वैज्ञानिकों के द्वारा बताई हुई बातों के बारे में जानकारी दिया जाएगा, वो बुक ही आपका विज्ञान के नाम से जाना जाएगा। यानी ये समझ लो कि हमारी दुनिया आज जैसा है, जैसे हम लोग इस जिंदगी को अपने इस नए दौर में, पुराने दौर में, कौन से युग आया, कौन से युग गया, ये जितने भी जी रहे ना, वो सब के सब साइंस ही तो है। मैंने साइंस क्या है तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारे जीने का तौर तरीके ही तो साइंस है, दुनिया का चलने का तरीका ही साइंस है, हर चीज में साइंस इन्वॉल्व है, चाहे वो इंटरनली हो या फिर एक्सटर्नली हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो विज्ञान का मतलब मैं एक शब्दों में आपको जिक्र कर दूं कि विज्ञान मतलब होगा बी और ज्ञान, बी बोले तो विशेष, ज्ञान बोले तो जानकारी, मतलब विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहा जाता है। और इस बात को याद रखिएगा कि जो विज्ञान शब्द है, इसका खोज हुआ यूनान में, इसका खोज यूनान में हुआ था, और यूनान का बात तो आप पहले से ही जानते हो, वही का तो रहने वाला था सिकंदर लोदी, जिसको नाम दिया जाता है विश्व विजेता सिकंदर लोदी, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था ऐसा माना जाता है, लेकिन किसी ने तो उसे हरा ही दिया। तो यूनान में ही इस विज्ञान का खोज हुआ, और उस यूनान में जो विज्ञान जो है वहां से ये जो शब्द निकल के आया साइंस, वहां इसको हम लोग साइंटिया बोलते थे। साइंटिया शब्द से इस साइंस की उत्पत्ति होती है, यूनान के साइंटिया शब्द से, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान। तो कहीं भी जाओ घुमा फिरा के मिलेगा आपको विज्ञान से ज्ञान ही। तो कह सकते हैं हम लोग कि सर विज्ञान क्या है, तो विशेष जानकारी को ही विज्ञान कहा जाता है, जो हमें सिस्टमेटिक ढंग से और एक साबित करके उसका कोई साक्ष्य प्रमाण मिला तो वही विज्ञान है।
और विज्ञान का खोज यूनान में हुआ, यूनान के साइंटिया शब्द से हुआ, और साइंटिया का मतलब होता है ज्ञान, तो विज्ञान मतलब ज्ञान। अब इस विज्ञान में तीन पार्ट कि कौन कौन से ढंग से, तो पुराने जमाने में विज्ञान को दो तरह से ही लोग जाना करते थे। एक कहते थे कि एक में हम लोग जानेंगे कि मानव ने बनाया होगा, एक को जानेंगे प्राकृतिक ने बनाया होगा। तो विज्ञान दो तरह से बांटा गया था, एक मानव निर्मित विज्ञान था, एक था आपका प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, और एक था आपका उसको हम लोग कह सकते थे मानव निर्मित को जनरली साइंथेटिकल बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो विज्ञान इसका दो प्रकार था, लेकिन आज इस विज्ञान को मॉडर्न साइंस के क्षेत्र में तीन भागों में तोड़ा गया है, और वो तीन भाग में पहला केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स और तीसरा बायोलॉजी। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कॉमेंट करना ना भूले।